एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ये मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने बच्चों को दूध चोको दिया था खाने के लिए, तो बस वही है, दूध चोको मैंने निकाल लिया है। दूध मैं गर्म कर रही थी, चोको कॉर्नफ्लेक्स निकाल लिया था, दूध गर्म कर रही थी मैं। और यहाँ पर मैं पर्दों को धुल चुकी थी, तो पर्दों को लगाने के लिए मैं लेके आई थी। तो इसमें से कुछ पर्दों की जो है वो रिंग निकल गई हुई है, तो वही मैं सेट कर रही थी कि मतलब जब रिंग नहीं होती ना पर्दों में तो प्लेट नहीं बनते अच्छे से, लेकिन निकल भी जाते हैं रिंग, और हाथ में भी लग गया था मेरे तो एक दो। तो बस वही मैं सेट कर रही थी, देख रही थी कि कौन सा कहाँ है। जो पहले जैसे लगाया था वैसे ही कर रही थी मैं यहाँ पर। तो इस टाइप के पर्दे मेरे पास 8 पड़े हुए हैं, लेकिन जो मतलब ये यहाँ खिड़कियों के लिए तो ठीक है ये, क्योंकि ये वाले पर्दे जो हैं वो 7 फीट के हैं, तो खिड़कियों पे आराम से आ जाते हैं ये पर्दे। लेकिन जब बात की जाए अगर गेट की, तो गेट पे ना 9 फीट के पर्दे लगते हैं, जिन जो मेरे पास पुराने, मतलब मैं बहुत पहले जहाँ किराए पर रहती थी 4 साल पहले, तो वहाँ पर ऐसे 2 पर्दे मतलब लगते थे, एक आगे एक पीछे, वहाँ और खिड़की वगैरह नहीं थी, तो वहाँ पर मैंने 9 फीट के पर्दे लिए हुए थे। तो इसलिए मेरा जो आप देखते होंगे कि गेट के सामने जो है कोई और जो है पर्दा होता है, हाँ ये वाला, तो इसमें के 2 हैं मेरे पास, जिसमें से एक को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, वो मैं अलग लगा देती हूँ और एक गेट पे लगा देती हूँ। और ये जो हैं मेरे पास जो लाइट ब्लू वाले उधर, मतलब नीचे जो दिख रहे हैं पर्दे, ये जो है इसमें के तो 8 हैं, लेकिन बस 8 नहीं लगाते क्योंकि 3 यहाँ पर लगा देती हूँ और एक में जो है जहाँ अलमारी सी है वहाँ पर लगा देती हूँ, बस हो जाता है हमारा काम। और उतना मैं बोल रही थी कि मैंने यहाँ पे उतना ही सामान निकाल के रखा हुआ है जितने में हमारा काम चल जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे काम चलाना है बस वैसे। और वैसे भी कोई आता नहीं हमारे घर में, पता ही है आपको कि हम ना किसी के घर जाते हैं और ना ही कोई मेरे घर आता है। अगर किसी से मिलना मतलब जैसे कोई फ्रेंड वगैरह है तो पार्क वगैरह कभी गए, तो वैसे जब से कोविड आया तब से हम नहीं जाते, कहीं एक आध दिन गए होंगे तो गए होंगे, नहीं तो हम नहीं जाते और कोई आता भी नहीं है। तो बस अपने काम से काम मैं रखती हूँ, मैं बल्कि बालकनी तक नहीं जाती। मैंने 10 बार बताया होगा कम से कम वीडियोस में अपने, नहीं ज़्यादा ही बता चुकी होंगी मैं अभी तक, मैं बाहर नहीं जाती। और बस, और मैं गेट में भी हमेशा कुंडी लगा के ही रखती हूँ। अपने एक कमरे में मैं और मेरे बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, पता नहीं कब तक ऐसे एक कमरे में ही जीवन यापन करना पड़ेगा, पर ठीक है, जो भी है अच्छा है ना, समय है। और ये मैंने अलमारी को भी थोड़ा सा कवर कर लिया था, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है घर में थोड़ा उथल पुथल थी थोड़े दिन पहले, तो ये उसी टाइम का है, तो जो है इसलिए सामान आपको सब बिखरा बिखरा दिख रहा है। तो बस वही थोड़ा थोड़ा बस सूटेबल कर रही थी। और ये दूसरा जो एक बोल रही थी 9 मीटर का जो पर्दा था, इसको मैंने नीचे से छोटा कर दिया था, 7 मीटर का कर दिया था, और ये मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो इसका जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, डोरी थी वो टूट गई निकालते समय, और अब ये सेट नहीं हो रहा है। अब मैं इसको कैसे सेट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, डोरी ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, डोरी भी ढूंढ के आगे नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूँगी, इसको आधा फंसाऊँगी, बस काम चलाने भर का हो जाए, ये थोड़ा सा ऐसे कवर हो जाए, क्योंकि ये गेट है ना तो इतना अच्छा नहीं लगता। और वैसे मैं इसके पीछे सामान जो है वो फंसा के रख देती हूँ, छोटे मोटे सामान जो है वो मैं फंसा के रख देती हूँ, बस वही है काम चलाना है ना, जुगाड़ लगा के, और जुगाड़ लगाने में मैं बहुत तेज़ हूँ। और ये मैंने जो है ये सीसा स्टैंड, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ये बनाया था, तो इसमें भी मिट्टी लग गई, इसको भी धुलना है अब। और ये कुछ इस तरीके से रूम बेड वगैरह सेट कर लिया था, रूम तो ठीक है, मतलब लंबा है, कोई बुरा नहीं है, पर वही ये बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है। और यहाँ पे मैं उसी दिन शाम को मैं वो कैंटीन से जो सामान ले के आई थी वो मैं सेट कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैं बता नहीं रही थी सामान यहीं पड़ा हुआ है, तो वो सामान उधर ही पड़ा हुआ था। तो ये बकेट खाली हुई थी पेंटिंग में, तो इसमें मैं ना बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह इसमें रख दूँगी, क्योंकि मैं इस बार जो है एक्स्ट्रा भी सामान लेके आई, मैं बता ही रही थी नवरात्रि की वजह से, वैसे भी मैं अक्सर एक्स्ट्रा लेके आती हूँ, तो मेरे पास ऐसे बड़े बड़े जो 25 लीटर के होते हैं, कितने लीटर के होते हैं, वैसे मेरे पास 2-3 बकेट हैं जो भर के सामान मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं ले आती हूँ जब भी मार्केट जाती हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ, इकट्ठे सामान ले लेती हूँ कि मुझे बार बार ना दौड़ना पड़े ऐसी चीज़ें, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो रोज़ ही खर्चा रहता है उसका। तो वही मैं बस मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ कि नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह, और ऐसे नीचे पड़ा रहता है ना तो फिर वो जैसे पैकेट खोला तो मुलायम भी हो जाता है, ऐसे रहेगा तो फिर थोड़ा मतलब ठीक ठाक रहेगा,
मुलायम क्या होता है, पैकेट खुली की ख़त्म हो जाता है, बसता ही नहीं बच्चों में। और हम भी ठीक है, खाए पिए मस्त रहते हैं ना, ज़िंदगी में क्या है, खाना ही है भाई, खाने से बढ़कर कुछ नहीं। खाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। खाने को ना मिले तो सारा फैशन डाउन हो जाता है। और तो बस मैं खाने पीने में बिल्कुल भी कमी नहीं करती हूँ, और ये वही सामान है बस मैं सेट करके रख रही हूँ। कितना दिन चलता है पता, ले आ जिस दिन आप सामान ले आओ उसके एक दो दिन ही दिखता है कि हाँ भाई सामान है घर में, उसके बाद धीरे धीरे सब जो है। और फ्रेंड अभी एक जस्ट मुझे एक बात याद आई है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे ब्लॉग को अभी आज वाली इसी ब्लॉग को अगर शुरू से आपने देखा होगा तो शायद पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने अभी किया क्योंकि मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मैं उसमें देख रही थी क्या गलत है क्या सही है, तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपनी गलतियाँ नहीं पकड़ पाती, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। और सबके साथ शायद यही होता है, अगर उसको समझ में आए तो वो ऐसी गलती ही ना करे। तो मैंने अभी देखा कि मेरी लंबाई ना अभी आपको साफ साफ दिख रही है। कुछ लोग पूछते ना कि आपकी लंबाई कितनी है, या आप सच्ची इतने लंबे हो, लगता नहीं आपको देख के। तो जब मैं पर्दे टांग रही थी ना, मतलब जब पर्दे मैं लगा रही थी उस टाइम, अगर आप मेरी देखोगे हाइट तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कितनी लंबी हूँ। जैसे जैसे कुछ लोग पूछते ना कि सच्ची आप, जब मेरे से पूछते हैं कि आपकी हाइट कितनी है और मैं बताती हूँ, तो वो बोलते हैं सच्ची आपकी इतनी है, तो शायद अभी आपको लग जाए। और बस हाइट उतनी है जितनी मैंने बोली, और बॉडी भी ठीक ठाक है, स्लिम फिट हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। और कम हो जाती है मेरी, ज़्यादा एक बार हुई है पूरी ज़िंदगी में, एक बार ज़्यादा हुई है, तब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैं, मुझे यही एक प्रॉब्लम है कि मैं टेंशन बहुत लेती हूँ, और टेंशन की वजह से मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, बाकी मुझे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे जो है रेगुलर वाली कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बीपी लो की प्रॉब्लम है। तो बस पानी कम पीती हूँ इसलिए बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। बाकी मैं खाने में सब कुछ खाती हूँ, पराठे पूड़ी चाउमीन बर्गर समोसा ये वो जो भी है, मतलब मुझे यही सब पसंद है। मैं सच्ची बताऊँ दाल चावल रोटी सब्ज़ी मुझे कभी, जैसे लोग ना रोज़ दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाते कभी पूड़ी खाते हैं, तो मेरा मन होता है कि मुझे कभी दाल चावल रोटी सब्ज़ी दो, मुझे रोज़ पूड़ी मतलब डिफरेंट टाइप के खाने दो, मुझे ये दाल चावल रोटी सब्ज़ी रोज ना मेरा बनाने का मन करे और ना खाने का मन करे, सच्ची बताऊँ। तो बस यही हूँ मैं, ऐसी ही हूँ, जो भी है भगवान ने जो दिया बस यही है, जो भी है भगवान उसको भी बिगाड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ तो मैं टेंशन की वजह से ऐसे दुबली पतली होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं ना ले लेती हूँ टेंशन, कोई भी बात मुझे अगर लग जाती तो मैं पूरे दिन उसको सोचती रहती हूँ, पूरी रात सोचती रहती हूँ सब कुछ। बाकी तो ठीक ही है, जो भी दिया भगवान ने, भगवान का थैंक यू है, बिना मांगे बहुत कुछ दिया प्रभु जी ने। और बस इसी तरीके से ज़िंदगी निकल जाएगी, हंसते मुस्कुराते खेलते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।